हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जिन भी बच्चों को केवीएस में मौका नहीं मिल पाया और वो चाह रहे थे कि एक नया मौका उन्हें मिले और वो अपने आप को प्रूफ कर ले, केवीएस पीआरटी के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, मतलब पीआरटी एस्पिरेंट के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज देख ली होगी, सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आ चुका है कि दिल्ली सरकार ने किसी भी अधिकारी की जॉइनिंग, पोस्टिंग, ट्रांसफर का सभी का राइट दिल्ली सरकार को मिल चुका है। पिछले 8 साल से ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था और इसका फैसला आना था, और आज इसका फैसला आ चुका है कि दिल्ली में जिसकी भी सरकार होगी, फिलहाल आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में जिसकी भी सरकार होगी उसे पूरा का पूरा हक होगा फैसला लेने का, रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, जॉइनिंग से रिलेटेड सब कुछ। पहले क्या होता था वो कि वो चाह रहे थे कि जॉब क्रिएट करी जाए, लेकिन पहले उन्हें एनजी से अप्रूवल लेना पड़ता था, अगर वहां से मनाही होती थी तो फिर वो जाके कोर्ट का दरवाजा खटखटाते थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये पूरा का पूरा राइट दिल्ली सरकार का है। तो इस न्यूज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आप लोगों के लिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट है और जो पीआरटी का है। आपको पता है कि दिल्ली DSSSB पीआरटी की रिक्रूटमेंट आनी थी और वो बस किसी ना किसी वजह से रुक रही थी, और वो रुकने की वजह यही थी कि दिल्ली सरकार को पूरा हक नहीं था, पूरा राइट नहीं था किसी भी रिक्रूटमेंट को फाइनलाइज करने का। पहले वो एलजी साहब से परमिशन लेते हैं, फिर जाके उस चीज को आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली सरकार को पूरा राइट है कि वो कोई रिक्रूटमेंट क्रिएट करे, ट्रांसफर करे, पोस्टिंग दे, सब कुछ करे। तो मुझे तो पूरा बिलीव है, अब तैयारी करना आपका काम है कि जैसा कि पहले सब अंदाजा लगा रहे थे कि DSSSB की पोस्ट आएगी पीआरटी वाली, तो आप लोग ध्यान रहे DSSSB पीआरटी की पोस्ट अब आपको 2 महीने के अंदर दिखने को मिल रही है। 2 महीने के अंदर आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा DSSSB पीआरटी का, ठीक है। क्योंकि अभी जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, उस समय सीएम साहब, दिल्ली के सीएम साहब केजरीवाल साहब एलजी साहब के पास सारी फाइल साइन कराने गए हैं, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया कि उन्हें किसी काम के लिए आप रोकोगे नहीं, क्योंकि उनका पूरा राइट है, वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो इसे एस्पायरेंट्स को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट क्रिएट्स होगी और जितनी भी वो काम करना चाहते हैं जनता के लिए उनको मौका मिलेगा। तो जो भी तैयारी कर रहा है, जी तोड़ के तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर केवीएस में मौका नहीं मिला है तो DSSSB में मौका मिलने वाला है और आपका टीचर बनने का सपना साकार होने वाला है। फिर दोबारा कह रहा हूँ, DSSSB पीआरटी का विद इन टू मंथ आपको रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।